आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। धर्मजयगढ़ के विकासखंड स्रोत केंद्र में मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में संकुल केंद्र के कक्षा पहली से बारहवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का शाला सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा शिक्षकों को भूकंप, तूफान, बाढ़, सर्पदंश, प्राकृतिक आपदा, विद्युत, आग आदि के संबंध में सिलसिलेवार जानकारी दी गई। कार्यक्रम 7 जून से 8 जून तक 2 दिवसीय चला, जिसमें प्राचार्य डाइट के अनिल पैंकरा, शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एसबी लखड़ा, एसडीओ वन विभाग के साहू, स्वास्थ्य विभाग से बीपीएम तथा मास्टर ट्रेनर एबीईओ रवि सारथी, लोकनाथ प्रधान समन्वय बीसी सर मुख्य रूप से शामिल रहे। वहीं प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में लेखापाल आरपी यादव का विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा चोट लगने पर प्रारंभिक इलाज के संबंध में बताया गया। वहीं स्काउट के शिक्षक द्वारा आपातकालीन स्थिति में बच्चों को कैसे बचाया जाए संबंध में विस्तार से समझाया गया। वन विभाग से फॉरेस्ट एसडीओ ने हाथी से बचाव के उपाय बताए। आपको बता दें, इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में होने वाली प्राकृतिक आपदा और विपदा के बारे में शिक्षक, बच्चे और पालकों को पूर्ण रूप से जानकारी देना, ताकि दुर्घटना से पूर्व सुरक्षा के उपाय संभव हो। आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी और कार्य योजना तैयारी कर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन आदि के लिए पहले से तैयार रहने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में सुरक्षित मानक तैयार करना है। प्रशिक्षण में शाला आपदा प्रबंधन की योजना बनाना, प्राथमिक फर्स्ट एड कैसे किया जाता है, आपदा के समय स्कूल स्तर पर सर्च और तात्कालीन बचाव कैसे करना है जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में स्कूल स्तर पर मॉक ड्रिल कैसे करते हैं इसको भी सिखाया गया। आपदा के साथ साथ मौसम परिवर्तन, बाल संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, कुपोषण के विषयों पर भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में शाला प्रबंधन समिति गठन कैसे करना है इसके बारे में भी प्रशिक्षण में विस्तार पूर्वक बताया गया। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।